हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था लाइक पायरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजन। अब अल्केन में एक चीज याद कर लो बच्चे लोग, अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड। तो अल्केन जो रिएक्शंस दिखाता है वो फ्री रेडिकल, ज्यादातर उसके रिएक्शंस कौन से होते हैं? फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं। कौन से होते हैं? फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो हैलोजिनेशन इज मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। इट इज ऑल्सो अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये भी कौन सा है? फ्री रेडिकल रिएक्शन है। मतलब जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये रिएक्शन में होता क्या? आपने एक अल्केन लिया, अपने अल्केन लिया, उसका रिएक्शन हैलोजन के साथ कराया, जैसे कि CH3 और H, CH4 हो गया ना, CH4 मीथेन। वैसे ये भी अल्केन है, अल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो ये सब चीज की जब आप प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा? हैलोजन। क्या होगा रिएक्शन? ध्यान से देखो, मैं X2 को ऐसा लिख सकता हूं, X2 HX इधर से निकलेगा और हाइड्रोजन की जगह पे कौन आएगा? हैलोजन आएगा। कौन आएगा? हैलोजन। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, अल्केन का H हटाओ हैलोजन लगाओ, अल्केन का H हटाओ हैलोजन लगाओ। क्या याद रखोगे? H हटाओ हैलोजन लगाओ, सिंपल रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, उसके पहले हम लोग एक बात करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के साथ मीथेन। ये मैंने ले लिया मीथेन, उसका मैंने क्लोरीनेशन करवाया। क्लोरीनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमिनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Cl2 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, Cl2 को ऐसा, इधर से क्या निकला? HCl निकला और ये हाइड्रोजन के जगह पे कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। मतलब जो प्रोडक्ट बना CH3Cl, प्रोडक्ट क्या बना? CH3Cl और इधर से क्या निकला? HCl। अगर आपने ये क्लोरीन को एक्सेस में लिया, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा, एस कंपेयर टू अल्केन क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है, तो ये क्लोरीन जो है Cl2 वो अभी भी बचे हैं, वो अभी भी रिएक्शन इसमें सिस्टम में बचे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? इसके साथ रिएक्ट करेंगे। अब देखो ये बना ना, ये बना, अब दूसरा क्लोरीन लो, दूसरा क्लोरीन क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा, जैसे HCl निकलेगा और हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा? क्लोरीन। मतलब इधर क्या बना आपके पास? CH2, मैं ऐसा नहीं लिख सकता, CH2, दो हाइड्रोजन बनेगा और दो क्लोरीन, CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। क्या बना? डाइक्लोरोमीथेन बना। अब इसका फर्दर क्लोरीनेशन पॉसिबल है, व्हाई? बिकॉज क्लोरीन एक्सेस में है, इसका अमाउंट कम है, क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है, तो जब क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, तो इधर आपने एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर सकता है और इस H के जगह पे ये क्लोरीन जा सकता है और इधर आपको क्या मिल जाएगा? CHCl3 को हम लोग नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन। इसका फर्दर क्लोरीनेशन पॉसिबल है कि नहीं? है, पॉसिबल है। क्या होगा? इधर देखो, इसका नाम ऊपर लिख देता हूं मैं, क्लोरोफॉर्म। आप कर क्या रहे हो? आप जस्ट अल्केन में जितने भी हाइड्रोजन है आप ऑब्जर्व करो, उस हाइड्रोजन को हटा के मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ क्लोरीन लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? क्लोरीन। मतलब हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो सिग्मा बॉन्डेड होता है ना, अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है, अल्केन में एडिशन नहीं होता। अल्केन में कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो ये HCl है, अब इधर क्या होगा? हम लोग एक और क्लोरीन का रिएक्शन हो सकता है, एक और क्लोरीन का, इधर से HCl निकलेगा और इसके जगह पे कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा हाइड्रोजन के जगह पे। मतलब यू विल गेट CCl4, एक कार्बन और चार क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इधर से क्या निकला? HCl।
मतलब अगर आप क्लोरीन में क्लोरीन को एक्सेस में लोगे तो आपको मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिल सकता है, जैसे कि इधर CH3Cl मिला, इधर डाइक्लोरोमीथेन मिला, इधर ट्राइक्लोरोमीथेन और इधर टेट्राक्लोरोमीथेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको मिक्सचर मिल सकते हैं हैलाइड्स के। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये चाहिए, आपको ये मेजर बनाना है, तो आपको इसको ज्यादा लेना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आप ये ज्यादा लोगे, जैसे कि आपने ये 100 लिया और इसको बस 5 लिया, तो ये 5 देखो, ये 100 है, 100 अल्केन है, और ये 5 क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इसका अमाउंट ज्यादा है ना, तो पॉसिबिलिटी जो होगा रिएक्शन करने का इसके साथ ज्यादा होगा कि नहीं? देखो पहले, फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने 5 में से एक ने रिएक्ट कर दिया और मिथाइल क्लोराइड बना दिया CH3Cl और HCl, एक ने रिएक्ट किया, ये 100 लिए थे और क्लोरीन कितना लिया? 5। 5 में से कितना बचा? एक तो रिएक्ट कर गया, बचा कितना? 4। और ये कितना बचा? 100 में से एक रिएक्ट किया, बचा 99। तो 4 क्लोरीन अभी भी बचा 99, और ये भी है। तो ये क्लोरीन की पॉसिबिलिटी इसके ऊपर अटैक करने की ज्यादा है कि इसके ऊपर? ऑब्वियसली 99 ज्यादा है ना, तो उसके ऊपर जो पॉसिबिलिटी अटैक करने का वो ज्यादा होगा। मतलब प्रीडोमिनेंटली आपको क्या मिलेगा? CH3Cl मिलेगा। Is this clear to all of you? तो डिपेंड करता है आप क्या लेते हो। अगर एक्सेस में क्लोरीन लोगे तब आपको ये सारे डिफरेंट मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स मिलेंगे, अगर आप एक्सेस में अल्केन लोगे तो आपको मिक्सचर ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मिलेगा। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि एक ही हैलोजन है। इसको मैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव बोलूंगा बिकॉज एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन है। इसको ट्राई बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा? टेट्रा बोलूंगा। Is this clear to all of you? क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन को हटाना है, हैलोजन लगाना है, दैट्स इट। हाइड्रोजन को हटाना है, हैलोजन लगाना है। अभी के लिए इतना याद रखो, हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लगाओ। क्या है? हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लगाओ। बढ़िया, चलो। तो वैसे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH3, ये इथेन है, इथेन का भी क्लोरीनेशन कर रहा हूं मैं। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों सेम तरीके से ही होता है, तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, इवन आयोडिनेशन भी सेम तरीके से होता है। फ्लोरीनेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं होता, डायरेक्ट आप फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है? तो देखो, इसका एक हाइड्रोजन हटाओ, उसके जगह पे क्लोरीन लगाओ, तो CH3CH2Cl, और इधर से एक जो H निकला वो बचे हुए क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा इन प्रेजेंस ऑफ H nu। सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन में मैंने क्या किया? CH3CH3 था तो दो हाइड्रोजन किया, मतलब एक हाइड्रोजन हटाया, उसके जगह पे क्लोरीन लगाया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे रिएक्शंस होते हैं? फ्री रेडिकल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन कैसे होता है? हाइड्रोजन को हटाना है, हैलोजन लगाना है। तो इसको नोट करो, अभी हम लोग बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। सो गाइस, लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द क्लोरीनेशन। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म कैसा होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखाते हैं। तीन स्टेप में होता है, तो पहला स्टेप बात करेंगे, चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप का नाम क्या है? चेन इनिशिएशन। अब ये रिएक्शन होता कैसे देखो, क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया है आपने, क्लोरीन का Cl2 लिया ना, क्लोरीनेशन करवा रहे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका क्या होगा? होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। क्या होगा? होमोलाइटिक फ्यूजन। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब दो क्लोरीन के रेडिकल बनेंगे। तो ये रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है चेन इनिशिएशन। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया था, वो आगे प्रोपोगेट करेगा, तो सेकंड स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन। अभी आगे बढ़ेगा कि नहीं, तो सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, आपने एक अल्केन लिया है, जैसे कि मिथेन ले लिया, और इधर एक क्लोरीन का रेडिकल है। अब सिस्टम में आपने दो चीज लिया ना मिक्सचर, एक क्लोरीन लिया और मिथेन। तो जैसे ही क्लोरीन का रेडिकल बना, क्लोरीन का रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव। ये क्लोरीन पहले अच्छा खासा स्टेबल था, लेकिन सनलाइट की वजह से वो टूट गया, एंड द रेडिकल जो बना वो रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव। तो वो हाईली रिएक्टिव रेडिकल क्या करेगा? अल्केन के साथ जाएगा, रिएक्ट करेगा। सनलाइट ने इसको क्या किया? तोड़ा, तो अब ये अल्केन को तोड़ेगा। किसी अब जो गुस्सा इसको आया वो किसी और पे उतार रहा है, बात समझ रहे हो? इसका स्टेबल से क्या हो गया? अनस्टेबल। तो इसको बहुत गुस्सा आया, हाईली एनर्जेटिक हो गया,
तो ये अभी क्या करेगा, अल्केन को तोड़ेगा, क्या करेगा, अल्केन को तोड़ेगा। जैसे सनलाइट ने इसको तोड़ा, ये भी अल्केन को तोड़ेगा। कैसे तोड़ा, होमोलाइटिकली, होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ ना, तो ये भी क्या करेगा, होमोलाइटिक फ्यूजन करवाएगा, होमोलाइटिक फ्यूजन करवाएगा। मतलब इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, तो डोंट यू थिंक इधर हाइड्रोजन का रेडिकल बनेगा और HCl फटाक से जुड़ जाएंगे, और इधर क्या बना, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल बना, और इधर क्या बनेगा, HCl। तो देखो फ्री रेडिकल बना कि नहीं, फ्री रेडिकल बना कि नहीं, इज दिस क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये सारे जो रिएक्शन है, आयोडिनेशन, इसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। चलो अब ये बन गया अपना फ्री रेडिकल। अब देखो इट इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, ये भी हाईली रिएक्टिव है। उसको देखो, इसको ये भी स्टेबल था, इसको खराब किसने किया, इसके बॉन्ड को तोड़ा किसने, क्लोरीन के रेडिकल ने, तो इसको भी गुस्सा आया। अब ये जो अच्छा खासा दूसरा क्लोरीन होगा, एक चीज सोचो, क्या आप गिन के एक क्लोरीन लेते हो, नहीं ना, मिक्स बहुत सारे क्लोरीन है, वैसे बहुत सारे मीथेन है, तो एक क्लोरीन टूट गया, रेडिकल बना, उसने एक मीथेन पर जाके अटैक किया। अब मीथेन जो अच्छा खासा स्टेबल था वो रेडिकल बन गया, उसको और गुस्सा आया, भाई मैं तो स्टेबल था, मैंने कुछ नहीं किया तेरा। तो ये मिथाइल रेडिकल क्या करेगा, ये मिथाइल रेडिकल जाएगा और क्लोरीन को तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा, क्लोरीन को, होमोलाइटिकली, बदला तो लेगा ना भाई। इस क्लोरीन ने अपना गुस्सा जो सनलाइट के वजह से जो उसको गुस्सा आया था, उसने मीथेन पे उतारा और मीथेन से मिथाइल रेडिकल बनाया। अब इस रेडिकल को गुस्सा आया, भाई मैं तो स्टेबल था, क्यों मुझे अनस्टेबल किया, अभी जाके दूसरे क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा और इसका भी क्या कराएगा, होमोलाइटिक फ्यूजन कराएगा। तो डोंट यू थिंक जैसे क्लोरीन का रेडिकल बनेगा एंड दोनों रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, CH3Cl, और इधर से क्या बचेगा, क्लोरीन का रेडिकल। ये वापस जाएगा इधर अटैक करेगा, वो वापस जाएगा इधर अटैक करेगा, ऐसा कंटिन्यू क्या होगा, चलता रहेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब ये चेन प्रोपेगेशन है। अब चेन टर्मिनेशन, लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। अब रिएक्शन है ना लगभग लगभग खत्म होने आया, एंड में पहुंच गया आप रिएक्शन के, तो जब एंड में क्या होगा ना, कुछ रेडिकल्स अभी भी बचे होंगे, जैसे कि मिथाइल रेडिकल्स अभी भी बचे होंगे, क्लोरीन रेडिकल्स अभी भी बचे होंगे, तो बहुत कम अमाउंट में, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लोरीन का रेडिकल है, उसको मिथाइल रेडिकल नहीं मिल रहा, उसको दूसरा क्लोरीन का रेडिकल मिला। देखो रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल देन न्यूट्रल, ये मॉलिक्यूल Cl2 इज मोर स्टेबल देन रेडिकल, तो ये रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, ये इस रेडिकल को बोलेगा, भाई देख तू भी अनस्टेबल है, मैं भी अनस्टेबल हूं, मिथाइल रेडिकल तो मिल रहा नहीं है, मिथेन, क्योंकि एंड में सब रिएक्ट कर चुके होंगे ना, तो ये बोलेगा चल अपन वापस रिएक्ट कर लेते हैं और क्लोरीन बन के स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। वैसे ये मिथाइल रेडिकल भी बोलेगा दूसरे मिथाइल रेडिकल को, भाई क्लोरीन रेडिकल तो नहीं मिल रहा, अपन खुद ही बॉन्ड बना लेते हैं, तो इधर क्या हो गया, CH3 मतलब इथेन भी मिलता है, क्या मिलता है, इथेन। तो जो बचे हुए रेडिकल्स है एट द एंड, टर्मिनेशन मतलब क्या, एंड में टर्मिनेट, अपने आप क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और इथेन और क्लोरीन बन जाते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड फ्लोरिनेशन, सॉरी आयोडिनेशन, डायरेक्ट क्लोरीनेशन नहीं होता। तो अभी इससे पॉइंट क्या मिला, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज फ्री रेडिकल। कौन सा इंटरमीडिएट बना, फ्री रेडिकल बना। सो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है, 3 degrees मोर स्टेबल देन 2 degrees मोर स्टेबल देन 1 degree, 3 degree फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल होता है देन 2 degree देन 1 degree, ये बार आपको पता है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखो ये प्रोपेन है CH3CH2CH3, उसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इज दिस क्लियर, क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता है हाइड्रोजन को हटाओ क्लोरीन लगाओ, हाइड्रोजन को हटाओ क्लोरीन लगाओ। अगर आप देखोगे तो इसमें दो टाइप के हाइड्रोजन है, ये 1 degree हाइड्रोजन है, ये भी 1 degree हाइड्रोजन है, ये 2 degree है, बिकॉज दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये 2 degree हाइड्रोजन है, मतलब दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक जो है वो 1 degree है, ये दोनों 1 degree के टाइप में आते हैं और ये वाला 2 degree के टाइप में आते हैं।
अब क्या करो, दोनों की जगह से हाइड्रोजन को हटाने का ट्राई करो, दोनों जगह से हाइड्रोजन हटाने का ट्राई करो, CH3 CH2 CH2 रेडिकल। पहले मैंने 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया, इधर से भी हटा दे सेम होता, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया। दूसरे केस में मैंने 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाया, दूसरे केस में मैंने 2 डिग्री हाइड्रोजन, पहले मैंने 1 डिग्री रेडिकल बनाया और दूसरे केस में 2 डिग्री रेडिकल बनाया, 1 डिग्री और 2 डिग्री। इज दिस क्लियर? दोनों पॉसिबिलिटीज है, इधर से आप हाइड्रोजन हटाओ, देखो ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है, ये दोनों 1 डिग्री हाइड्रोजन है, बात समझ रहे हो आप? अगर मैं ऐसा लिखूं CH3 CH2 CH2 Cl और ऐसा लिखूं Cl CH2 CH2 CH3, क्या दोनों में कोई अंतर है? दोनों तो सेम है ना, इज इट देयर एनी डिफरेंस? नो, ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन, इट इज ऑल्सो 1 क्लोरोप्रोपेन, तो इधर कोई डिफरेंस नहीं है, बात समझ रहे हो? तो ये जैसे 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये कौन सा रेडिकल है? 2 डिग्री, इधर से भी 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, इधर से भी 1 डिग्री, तो ये है 1 डिग्री रेडिकल, ये है 2 डिग्री। एज यू नो 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल? 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू 1 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज स्टेबल, मतलब ये जब इधर, अब देखो आपको मालूम है ये रिएक्शन करेगा क्योंकि क्लोरीन है लाइट, तो इसको रिएक्शन करना है, तो ये वाले पाथ से करेगा क्या? जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी कहां से मिल रही है? उसको स्टेबिलिटी यहां से मिल रही है, उसको स्टेबिलिटी यहां से मिल रही है। इज दिस क्लियर? उसको स्टेबिलिटी इधर आने पे ये वाले पाथ से स्टेबल हो रहा है, दोनों रेडिकल ही बन रहे, लेकिन ये वाला रेडिकल स्टेबल है तो डेफिनेटली वो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा। अब क्या बचा? रेडिकल बन गए, वैसे क्लोरीन का रेडिकल ले लो, क्लोरीन का रेडिकल इधर आके जुड़ जाएगा, क्लोरीन का रेडिकल क्या होगा? आके जुड़ जाएगा, ये क्लोरीन का रेडिकल इनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा कि नहीं? तो इधर से आपको क्या मिलेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन और इधर से क्या मिलेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या मिलेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। सो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और एक बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो मेजर बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज द फ्री रेडिकल फॉर्म इज 2 डिग्री इज हाईली स्टेबल देन 1 डिग्री। इज दिस क्लियर? तो ये सब चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसी है क्योंकि अगर आप इधर दोनों पॉसिबिलिटी आपको ऑप्शन में दोनों आता कि राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन बिकॉज इसमें जो फ्री रेडिकल बनता है वो स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। Is it there any doubt? Do you have? तो इसको आप लोग properly note करो। अभी हम लोग बात करेंगे fluorination and iodination के बारे में। So guys, let's discuss the iodination and fluorination reaction. So iodination क्या होगा? Substitution of iodine. देखो bromination भी same है, जैसा fluorination है वैसा bromination भी है, डिफरेंस नहीं। आयोडिनेशन में एक खास बात है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं इधर। तो ये जैसे कि मिथेन ले लिया आपने, मिथेन, इसका रिएक्शन मैंने आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ करवाया। किसके साथ? आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ। आपको पता है इधर से एक आयोडीन आएगा, इसके पास आ जाएगा, यानी CH3I plus HI, मिथाइल आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तो आपको भी पता है। बट ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है ना, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो। वाई इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? बात समझो, देखो HI, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है वो काफी बड़ा होता है बिकॉज आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो ये बॉन्ड इजिली टूट सकता है। जब ये बॉन्ड इजिली टूट सकता है, मतलब ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो हाइड्रोजन का रेडिकल वापस बनेगा, वो वापस इसके साथ अटैक करेगा और आपको बैकवर्ड प्रोडक्ट दे देगा, मतलब जो रिएक्टेंट था वो आपको रिएक्शन बैकवर्ड कर देगा। टू स्टॉप दैट, इसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए, टू स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ HI और इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर को रोकने के लिए, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना, बिकॉज हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड क्या होता है? बड़ा होता है, जो कि बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, तो हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट किया, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, इसलिए इसका रिडक्शन होगा, इसलिए उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन एड हो जाएगा, इसके वजह से हो रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो
देयरफॉर वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 एंड आयोडिक एसिड HIO3। समझ रहे, HNO3 नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड यूज करते हैं जो कि इसके साथ रिएक्ट करेंगे और इसको आयोडीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे। जब ये रहेगा ही नहीं तो क्या रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए इसको रोकने के लिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है आयोडिनेशन के लिए। अब बात करते हैं फ्लोरिनेशन, ये थोड़ा अच्छा रिएक्शन है। फ्लोरिनेशन में क्या होता है ना, फ्लोरिनेशन मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोरीन। इसमें डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हाईली एक्सप्लोजिव होता है फ्लोरीन। बात समझ, इसमें डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन करते हैं। कौन सा रिएक्शन करते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है ना, हम लोग मेटालिक फ्लोराइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेटालिक फ्लोराइड। मेटालिक फ्लोराइड का यूज करते हैं अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। वी यूज मेटालिक फ्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड। जैसे कि मैंने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, RCl ले लिया, उसका रिएक्शन मैंने सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाया, तो इधर से AgCl निकल जाएगा। देखो ये मेटालिक फ्लोराइड, मेटल के साथ फ्लोरीन है, और इधर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, RF, अल्काइल फ्लोराइड बना कि नहीं, प्लस AgCl। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl प्लस Ag सिल्वर फ्लोराइड, तो CH3Cl से इधर CH3F बनेगा, और इधर क्या बनेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट। वैसे आप कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते हो, समझ रहे हो। मेटालिक फ्लोराइड यूज करते हैं ये रिएक्शन को करने के लिए, डेट इज डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें एक चीज याद रखने का, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज देखो, इसको नोट कर लेना, इफ पॉसिबल डिफरेंट कलर के पेन से लिखा करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो आपको वो हाईलाइट होगा ना आपके नोट में। चलो तो इसका हम लोग बात करते हैं कैसे होता है ये। तो इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब फ्री रेडिकल बनेगा इसमें भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बनने दो। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3CH2CH3, इसका फ्लोरिनेशन कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? फ्लोरिनेशन कर रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोरीन। तो जैसे क्लोरिनेशन में दो प्रोडक्ट बना था, क्लोरिनेशन में जैसे दो प्रोडक्ट बना था, वैसे ही फ्लोरिनेशन में भी कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो प्रोडक्ट बनेंगे। इज इट देयर एनी डाउट? किसी को डाउट है फ्लोरिनेशन में भी कितना बनेगा? दो प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो क्या होगा, इधर देखो कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो एक बार 2 डिग्री से हटा और एक बार 1 डिग्री से, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, CH3CH2F एंड CH3CH3F। इधर 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, ये स्टेबल होगा, इधर 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, थोड़ा कम स्टेबल होगा, तो वो मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। इधर 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा ना, तो ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ये माइनर बना और ये मेजर बना, ये तो उल्टा हो गया। जबकि क्लोरिनेशन में तो बराबर था, 2 डिग्री वाला स्टेबल था तो वो मेजर बन रहा था, ये स्टेबल है। मैं नहीं बोल रहा कि ये स्टेबल नहीं है, दिस इज स्टेबल, बट ये कम बन रहा है, ये ज्यादा बन रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ क्वेश्चन आ रहा होगा, वाई। इस वाई का आंसर मैं देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, इतना मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। चलो अब ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। तो अभी देखो, फ्लोरीन जो रेडिकल होता है ना, फ्लोरीन रेडिकल और फ्लोरीन भी आप बोल सकते हो, दीज आर हाईली रिएक्टिव। ये दोनों ही क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव। ये दोनों क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो रिएक्शन होगा तो जैसे ही 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, वो उसके साथ ही अटैक कर लेगा, उसके साथ ही रिएक्ट कर लेगा।
आप बात समझ रहे हो, जैसे ही 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, भले ही 1 डिग्री रेडिकल इज लीस्ट स्टेबल, लेकिन ये जैसे ही बनेगा वो उसके साथ अटैक कर लेगा, वो 2 डिग्री का वेट नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो 2 डिग्री का वेट नहीं करेगा, वो सीधा 1 डिग्री के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो ये जो फ्लोरीन है और ये जो फ्लोरीन रेडिकल है, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये लोग की रिएक्टिविटी ज्यादा है लेकिन सिलेक्टिविटी कम है। मतलब क्या? दे आर हाईली रिएक्टिव एंड लेस सिलेक्टिव, जबकि क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव होता है। इधर मैं लिख देता हूं, क्लोरीनेशन हो गया, आप लोग पूरा लिखना, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन भी इतना नहीं होता, लेकिन ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन तो सिलेक्टिव होता है। अभी सिलेक्टिव और रिएक्टिव क्या होता है बात समझते। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव, मतलब वो ये नहीं देखेगा कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, वो सब नहीं देखेगा, वो सिलेक्शन ज्यादा नहीं करेगा। उसका काम क्या है, रिएक्ट करना, दैट्स इट। बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, वो वेट नहीं करेगा कि 2 डिग्री रेडिकल बने, एज सून एज 1 डिग्री रेडिकल फॉर्म होगा इट विल रिएक्ट विद दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो उसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन रेडिकल और फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव एंड लेस सिलेक्टिव। They react with 1 degree radical. They react with 1 degree radical. आपको बात समझ रही है वाला? तो less selective है, मतलब ये वो wait नहीं करेगा 2 degree radical बने कि मैं उसके साथ react करूं, वो सीधा इसके साथ react कर जाएगा। They react with 1 degree radical and formed 1 degree अल्काइल हैलाइड एज मेजर प्रोडक्ट, एज मेजर प्रोडक्ट। बात समझ गया ना? 1 degree रेडिकल से ही, क्योंकि ये लेस सिलेक्टिव है, ये चीज याद रखना, फ्लोरीनेशन लेस सिलेक्टिव होता है। तो अगर मैं फ्लोरीनेशन की बात करूं तो 1 degree वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 degree वाला, फिर 3 degree वाला। ये फ्लोरीनेशन का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? फ्लोरीनेशन का, मतलब 1 degree वाले में ज्यादा होगा, 2 degree वाले में, 3 degree वाले में कम। ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के लिए देख लो, ये फ्लोरीनेशन का ऑर्डर है। ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के लिए आप लोग पूरा लिखना, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन, उसके लिए ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, इस 1 डिग्री। सबसे ज्यादा जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो 1 डिग्री बने, देखो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हैलोजन का, तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, तो सबसे ज्यादा अल्काइल हैलाइड क्या बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जबकि ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा बनेंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब ये क्लोरीनेशन के लिए क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम है। क्लोरीनेशन क्या करता है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो होता है वो डिपेंड्स होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन अल्केन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन अल्केन। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा बनेगा। क्लोरीनेशन के केस में, फ्लोरीनेशन के केस में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा बनेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के केस में 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल हैलाइड ज्यादा बनेंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये लोग हाईली सिलेक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, जबकि फ्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव। वो वेट नहीं करेगा भाई 2 डिग्री स्टेबल दिख जाए, वो 1 डिग्री बनेगा उसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सीधा 1 डिग्री के साथ। जबकि क्लोरीनेशन कैसा होता है, उसमें आपको दोनों पॉसिबिलिटी है क्लोरीनेशन में, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी ज्यादा मिल सकता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री ऑर्डर वाला भी फॉलो हो सकता है, या 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर वाला भी फॉलो हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा है अल्केन के अंदर तो वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाएगा, और अगर 3 डिग्री ज्यादा है तो वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो पॉइंट लिखवा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा हैलोजिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसको आप लोग स्टार करके लिख लो। अभी हम लोग इससे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इसके ऊपर एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सो बच्चे लोग अभी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग। ये एक अल्केन है, दिस इज एन अल्केन। अब इसका हम लोग फ्लोरीनेशन भी करेंगे, क्लोरीनेशन भी करेंगे,
ब्रोमिनेशन भी करेंगे और आयोडिनेशन भी करेंगे। फ्लोरिनेशन में ऑर्डर क्या था आपको पता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फ्लोरिनेशन का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री अल्कलाइट ज्यादा बनता है, फिर 2 डिग्री अल्कलाइट, फिर 3 डिग्री अल्कलाइट मेजर फॉर्म होता है। जबकि ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन दोनों के लिए ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री अल्कलाइट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री अल्कलाइट। अभी क्लोरिनेशन डिपेंड्स किस पे करता है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। जो ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा है तो 3 डिग्री प्रोडक्ट, 1 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा है तो 1 डिग्री प्रोडक्ट। अब देखो, अब इसका 1 डिग्री बनेगा। देखो दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन। Why it is 3 degree carbon? Because it is surrounded by 3-3 carbon. इसलिए 3 degree carbon है, तो 3 degree carbon है और ये सारे क्या है 1 degree, because ये एक ही carbon से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 degree, ये भी एक ही carbon से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 degree एक ही का, ये 3 carbon से जुड़ा हुआ है इसलिए 3 degree। Fluorination में आपको पता है कौन सा product major होगा, product जो major होगा वो होगा 1 degree alkyl fluoride। ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, या तो इधर से या तो इधर से या तो इधर से, 1 डिग्री अल्काइल फ्लोराइड बना। क्या बना, 1 डिग्री अल्काइल फ्लोराइड। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, क्लोरीन, क्लोरीनेशन पे बाद में आता हूं, पहले ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन। ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन में क्या होता है, 3 डिग्री वाला मेजर बनता है, मतलब 3 डिग्री के हाइड्रोजन को हटाओगे और ब्रोमीन और क्लोरीन लगाओगे, 3 डिग्री के हाइड्रोजन को हटाओगे और ब्रोमीन और क्लोरीन लगाओगे, सॉरी आयोडीन लगाओगे, ब्रोमीन, ये ब्रोमिनेशन का और ये आयोडीनेशन का, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव एंड हाईली सिलेक्टिव। इधर आयोडीनेशन, तो ये 3 डिग्री अल्काइल आयोडाइड मेजर बनेगा, इधर 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड। अब बात करते हैं क्लोरीनेशन की, क्लोरीनेशन की बात करेंगे तो क्लोरीनेशन आप देखोगे तो किसका होगा, इसका होगा 3 डिग्री का होगा कि 1 डिग्री। आप देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है जबकि 3 डिग्री हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। 9 कौन से हाइड्रोजन है, 1 डिग्री, और 3 और 1 कौन सा हाइड्रोजन है, वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा है, 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो कौन सा अल्काइल हैलाइड बने, कौन सा अल्काइल क्लोराइड बनेगा, 1 डिग्री। जो वाला हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो वाला क्लोराइड बनेगा। फ्लोरीन के लिए तो सेम ऑर्डर है 1 2 3, ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन के लिए 3 2 1, लेकिन क्लोरीनेशन के लिए क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो ज्यादा है, बिकॉज ये सारे 1 डिग्री कार्बन है तो उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री, 1 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर, इसलिए 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनेगा। कौन सा बनेगा, 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। ये चीज याद रख लेना आप लोग क्लोरीनेशन के लिए, तो ये वाला क्लोराइड बनेगा 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। तो आपके मन में डाउट आता होगा कि सर ये जो प्रोपेन का आपने कराया था, प्रोपेन में भी तो 1 डिग्री वाला अल्काइल, 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन, ये कितना है, 3 3 6 है, जबकि ये तो क्या है, 2 ही है 2 डिग्री वाला। लेकिन जब आप परसेंटेज निकालोगे ना, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन करके एक परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालने पे पता चलता है कि ये दोनों 1 डिग्री और 2 डिग्री के परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड सेम है। मोजर आपको लेके नहीं जा रहा, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड सेम है, सब समझो बस। ये जो पूरे मॉलिक्यूल में ये तीन और ये तीन, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड सेम है, बट 2 डिग्री वाला क्या होता है आपको पता है, मेजर होता है। 2 डिग्री वाला क्या होता है, मेजर होता है, इसलिए उसमें 2 डिग्री ज्यादा बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनेगा। देखो फ्लोरिनेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन के लिए प्रॉब्लम कहां आता है, क्लोरिनेशन वो डिपेंड्स करता है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। जबकि इधर देखो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, इधर 9 है जबकि ये 1 है, इधर इतना, इधर बस 4 का डिफरेंस है। इज दिस क्लियर, तो आप लोग ये याद कर लो कि प्रोपेन में तो 2 डिग्री बनेगा, जबकि अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट आया तो इसमें आप अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन देखोगे, क्या देखोगे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन देखोगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो दिस इज व्हाट अबाउट हैलोजिनेशन, इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस आज हम लोग ने क्या सीखा, आज इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा हैलोजिनेशन के बारे में, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन इन अल्केन, अल्केन का हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ, दैट्स इट। क्लोरीन के केस में भी, ब्रोमीन के केस में भी, आयोडीन के केस में भी, फ्लोरीन के केस में भी। तो आपको अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल फ्लोराइड मिल रहे थे। इज दिस क्लियर, फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, जो मैंने कराया था, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन,
तो वो मैकेनिज्म पता होना चाहिए। फिर ये जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरिनेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, व्हाई? बिकॉज फ्लोरीन इज लेस सिलेक्टिव, वो वेट नहीं करेगा कि 2 डिग्री वाला रेडिकल बने और मैं स्टेबल कंपाउंड बनाऊं, उसको 1 डिग्री मिलेगा वो उसी के साथ बनाएगा, वो 2 डिग्री का वेट नहीं करेगा, इसलिए 1 डिग्री अल्कल हैलाइड मेजर बनता है, जबकि ये दोनों में 3 डिग्री अल्कल हैलाइड मेजर बनते हैं, क्योंकि ये लोग मोर सिलेक्टिव है, इनकी सिलेक्टिविटी ज्यादा है, वो लोग स्टेबल रेडिकल का वेट करेंगे। और इसका किस पे डिपेंड करता है? वो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पे। इधर 9 हाइड्रोजन, 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं? 9 है, इसलिए इसमें 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो क्लोरीनेशन किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। 1 डिग्री वाला ज्यादा है तो 1 डिग्री वाला अल्काइल क्लोराइड बनेगा, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन ज्यादा है तो 3 डिग्री वाला अल्काइल क्लोराइड बनेगा। इज इट देयर एनी डाउट? तो आज जितना भी पढ़ा है उस चीज को आप रिवाइज करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्केन बनाएंगे नाइट्रेशन मैथड और सल्फोनेशन मैथड, सो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।